नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है सतीश यादव सर, जो यादव ट्रैवल्स के ओनर है। और सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल में। धन्यवाद सर। तो सर, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये है कि आपने शुरुआत कैसे की थी सर बस बिजनेस में? सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट वीडियो शुरू करने से पहले एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ, ये वीडियो मैंने एक्चुअल बस स्टैंड पे शूट की है, नवलखा बस स्टैंड जो इंदौर का, वहाँ पर मैंने ये वीडियो फुल्ली शूट की, और वो भी नाइट में, जिसके वजह से थोड़ा पर आपको लाइटिंग कंडीशन इधर उधर रख सकता है, बट कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। ये मेरे पिताजी और मेरे चाचा ने 1994 में स्टार्ट करी थी। शुरुआत में आपके पास मतलब कैसे बसेस वगैरह कौन सी थी सर? बस सिंपल सादी बसें थी, रोड ख़राब था तो उस हिसाब से बसें थी। अब जैसे आधुनिकता आ गई, फिर पिताजी और चाचा जी, अभी चाचा जी देखते हैं अच्छा। और मेरा बड़ा भाई अच्छा। देवेंद्र यादव नाम है उनका अच्छा। और मेरे चाचा के बेटे और हम लोग देखते हैं अच्छा। आप सब मिलाकर फैमिली मतलब पूरी? ओके जी। और सर जी, फिर अभी आपके पास कितने बसेस का फ्लीट है? हमारे पास अभी 45 के लगभग बस हैं। अच्छा, 45 बसेस टोटल। तो आपके अभी रूट्स कौन से चलते हैं सर? हमारा बेसिकली रूट है इंदौर हरदा। अच्छा, इंदौर जो हरदा। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है सर? मतलब 150 किलोमीटर का। 150 किलोमीटर। और उस रूट पर कितनी बसें चलती है सर मेजोरिटी? मतलब लगभग चलती होंगी 80 बस के लगभग। अच्छा, और आपकी बसेस कितनी उसमें? मतलब 35 के 35 के आसपास आपकी, मतलब 35 बसेस इनकी इंदौर टू हरदा रूट पर चलती है। और सर, अभी ये जो अभी बीच में कोरोना वगैरह आया था, तो इसमें आपने अपने बसेस को कैसे संभाला था सर? कोरोना के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ एकलौती यादव बस ही चल रही थी। अच्छा जी। जी सर। हाँ जी सर। और अभी एमपी में कैसा है? अभी हमारे महाराष्ट्र में एक मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बसेस होती है, पर एमपी में मतलब प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाते हैं, मतलब उनके तौर पर चलाते हैं। तो सर जी, ये जो बस वगैरह होते हैं, तो इसके लिए मतलब टैक्सिंग वगैरह कैसा होता है, थोड़ा आप बताइए। मंथली टैक्स होता है इसका। अच्छा, मंथली टैक्स होता है। वो 5 साल का सिस्टम क्या होता है सर? 5 साल का परमिट दिया जाता है इसके अंदर। अच्छा, उस रूट को ऑपरेट करने के लिए। और इसमें भी टाइमिंग वगैरह कुछ होता है सर? मतलब टाइमिंग होता है, फ्रीक्वेंसी होती है टाइमिंग की। अच्छा, अभी समझ लीजिए आपकी जो बस कंपनी है उसकी बस अगर 12 बजे निकल रही है और अगर कोई दूसरा XYZ ऑपरेटर उसमें लगा रहा है तो उसका भी आपके बाद का टाइम होगा, उनका टाइमिंग अलग होगा, या आगे लेगा या पीछे लेगा, पर सेम टाइम पे दोनों सेम टाइम पे नहीं। अभी आपके पास कौन से ब्रांड की बसेस है? हमारे पास अशोक लेलैंड की बस है। अच्छा जी। और मेरे पास इंदो मर्सिडीज बेंच की बस भी है। अच्छा, तो अशोक लेलैंड के साथ आपका अनुभव कैसा है सर अब तक? अशोक लेलैंड मतलब दी बेस्ट कंपनी, तो बसों के अंदर सबसे बेस्ट है। क्या बातें आपको अच्छी लगती है अशोक लेलैंड की? अशोक लेलैंड में ये है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी। एवरेज वगैरह कैसा लगता है? एवरेज भी अच्छा है उसका। अच्छा जी। और सर, अभी जो डबल डोर का सिस्टम होता है, तो एक बस बॉडी बिल्डिंग के लिए कितना खर्चा आता है अराउंड आपके अंदाजे? 40 से 45 लाख रुपए। 40 से 45 लाख, मतलब पूरी बस का टोटल जो चेसिस के साथ कम्प्लीटली। और अभी ये जो इंदौर टू हरदा रूट आप कवर करते हैं, ट्रिप करने के लिए कितना डीजल वगैरह लग जाता है, फ्यूल की खपत कितनी होती है? 90 लीटर, 90 से 95 लीटर। 90 से 95 लीटर तक होती है। और आपकी मतलब बसेस की सीटिंग रेंज कितनी होती है सर, मतलब कितनी सीट तक आपको? 44 सीटर बस होती है। और सर, अभी मतलब काफी आपका अच्छा अनुभव है सर, तो आप थोड़ा हमें मतलब आपकी अभी बस रवाना होने वाली है, तो थोड़ा उसके बारे में दिखाइए सर। हमारा ऑफिस है यहाँ पर, हमारी बस रवाना होने वाली है, दिखाइए सर थोड़ा। तो ये देख सकते हैं अभी यादव ट्रैवल्स की जो बस है यहाँ पर रवाना होने वाली है। आइए दिखाते हैं, थोड़ा बस का भी रिव्यू कर देते हैं यहाँ पर। चलो, ये देख सकते हैं यादव ट्रैवल्स की जो बस है, इस प्रकार की है। सीटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, 2x2 सीटिंग लेआउट में, और 44 सीटर की ये बस है। हाँ सर, अभी ये जो बस है आपकी, ये कितने बजे निकल रही है अभी? ये 6:50 में निकले, 10:30 के समथिंग। 10:30 के समथिंग। अच्छा जी। तो देखिए सर, इंटरव्यू के साथ साथ कस्टमर्स को भी, पैसेंजर्स को भी गाइड कर रहे हैं। सर, अभी आपका ऑफिस वगैरह दिखाई, और बुकिंग सिस्टम किस चलती है बसेस की, वो दिखाई। चलिए, यहाँ पर फोन बुक होता है, यहाँ पे कस्टमर को नंबर दिए जाते हैं हमारे। अच्छा। और कस्टमर फोन लगाता है, फिर यहाँ से उसकी फोन बुक की जाती है। जो टिकट बुकिंग सिस्टम है आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। भाई जो है अभी ये कर रहा है टिकट बुकिंग, ये सभी रूट्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं इसमें, इंदौर टू शिरपुर वगैरह जो है, अभी ये सब रूट्स पर बसेस चलती है सर। और मतलब आपकी बसेस की जो टिकट है वो फोन पर भी बुक हो सकते हैं, और यहाँ पर ऑफलाइन भी बुक करते हैं। ऑफलाइन ऑफलाइन के लिए टिकट काउंटर है, करंट बुकिंग है। अच्छा। और आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है। अच्छा अच्छा सर। और सर, अभी ये जो लगेज सिस्टम वगैरह भी होता है, तो आप लगेज का भी पार्सल? लगेज पास में लगेज ऑफिस बना रखा हमने। ये हमारा लगेज सिस्टम है, जैसे पैसेंजर आए, कस्टमर आए, ये बुक करा रहा है यहाँ पे, एक नॉमिनेट चार्ज है 80 रुपीज़ के अंदर, हम पार्सल बुक करते हैं। अच्छा। और 4 घंटे के अंदर सर्विस दे देते हैं। काफ़ी सारे टाइप्स के मतलब लगेज वगैरह आप डिलीवर करते हैं सर, और सिंगल डे डिलीवर कर सकते हैं, 4 घंटे के अंदर ही मतलब डिलीवरी हो जाता है ऑलमोस्ट। और क्योंकि नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, बसेस की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी अच्छी सर आपकी। तो सर, अभी ये जो आपकी नई बस है, ये अशोक लेलैंड की BS6 बस है, इसकी चेसिस कौन सी सर? 11 मीटर चेसिस। थोड़ा दिखाइए इसके बाद। तो सबसे पहले अच्छी बात यार, थोड़ा इसमें जो MG का एलिमेंट यूज़ किया है, DRL वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसमें रनिंग लाइट्स यूज़ किए,
और मतलब फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल ऐसा MG ग्लाइडर जैसा इसका लगता है, ग्लाइडर की कॉपी है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश बस आपको दिख रहा हूँ। अभी सर इसको कितने दिन हो गए लेकर? इसको 1 month हुआ है। 1 month हो गया है, और 1 month का इसका रिस्पांस कैसा है? अच्छा रिस्पांस है इसका, मतलब मार्केट में जैसे आप बस निकालते हैं, अच्छा तो कंपनी थोड़ा अप होती है। हाँ जी, और ये देख सकते हैं लाइट्स वगैरह काफ़ी इसमें अच्छे इंस्टॉल करके रखे हैं, साथ ही साथ सीट्स की जो क्वालिटी है, सीट्स की जो पैडिंग है, काफ़ी कम्फर्टेबल लगाई है। और दोस्तों पैसेंजर्स के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर LED स्क्रीन भी लगाई गई है, मतलब मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर। साउंड सिस्टम वगैरह काफ़ी बढ़िया बनाई गई है, और काफ़ी अच्छा खुला खुला सा लेआउट है सर। और सर अभी ये कौन से बॉडी बिल्डर की घर से सर? ये इंदौर में है, अंगिरा कोच की। अंगिरा कोच की। एक्चुअल प्राइस नहीं पूछूंगा मैं आपको। जी जी जी। एक एस्टीमेट प्राइस बताइए, इसको बनाने के लिए कितना खर्चा है बॉडी बिल्डिंग के लिए? बॉडी बिल्डिंग के लिए इसके अंदर 12.5 लाख रुपए की बॉडी बनती है, और 3.5 लाख की मैं हरिता की सीट लेता हूँ जो वॉल्वो बस में दी जाती है। अच्छा, बेसिकली हरिता कंपनी जो कोई सीट्स होते हैं वो स्कैनिया, वॉल्वो, मर्सिडीज बेंज की सीट है, प्रीमियम बसेस में यूज होते हैं, और खासकर आपने भी इसमें यूज किया जो काफी अच्छी बात है सर, क्योंकि पैसेंजर के हिसाब से मतलब काफी कम्फर्ट भी अच्छा होता है और थकान महसूस नहीं होती सर। अभी सर ये जो बस है ये भी मतलब हरदा रोड पे चलेगी? हरदा रोड पे चलेगी। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, स्पीकर्स वगैरह की काफी अच्छी यहाँ पर सुविधा दी गई है। बस का जो गैंगवे है वो भी काफी मतलब ओपन है, ब्रॉड है। सर इसका माइलेज वगैरह कितना निकलता है अभी? इसका 4 का माइलेज, 4 का माइलेज निकल जाता है। सही है, और इसमें अभी एड ब्लू भी, यूरिया भी लगा है। जी, जी। तो कितने किलोमीटर में एड ब्लू करना पड़ता है इसमें? मतलब मान लो 1500 किलोमीटर के समथिंग। 1500 किलोमीटर में आपको एक बार फिल करना पड़ता, तो 14 लीटर का एड ब्लू इसमें लगता है, वो भी 1500 किलोमीटर के बाद। आपका एक ट्रिप कितना किलोमीटर का होता है सर टोटल? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर का मतलब ऑलमोस्ट आपको 5 ट्रिप में लग जाता होगा एड ब्लू जी। तो सर अभी आपके पास BS4 अशोक लैंड है, BS6 भी है, तो BS4 और BS6 में आपको क्या डिफरेंस लगता है सर? BS6 में अभी इसका डैशबोर्ड आगे कर दिया है। अच्छा, डैशबोर्ड आगे होने के कारण हमको स्पेस मिल गया है, ज्यादा बड़ा बन गया है। अच्छा, और उसके बाद अभी जो माइलेज में भी जो हमारे को समस्या आती थी इसमें माइलेज अच्छा कर दिया है। अच्छा सर, ड्राइवर को चलाने के लिए किस लगती है BS6 गाड़ियाँ? हाँ, ड्राइवर को चलाने के लिए मतलब पहले से ज्यादा कम्फर्टेबल लग रहा है उसको। अच्छा सर, और स्मूथ भी है गाड़ी पहले से। अच्छा जी सर, अभी एक सक्सेसफुल बस बिजनेस ऑपरेट करने के लिए एक टीम चाहिए होती है, तो थोड़ा आपके टीम के बारे में बताइए आप। हमारे जो टीम मेंबर है सब लोग जो भी है यहाँ पे, हाँ जी, ये सब मेरे घर के सदस्य है। अच्छा, ये पिछले 15-20 साल से मेरे पास जुड़े हुए सब लोग। अच्छा सर, और अभी मतलब कौन कौन क्या क्या सवाल था इसके बारे में बताइए आप? जैसे अभी जीतू भैया है, ये अनुराग है, ये भी 10 साल से हमारे पास है, रितेश है, ये सब। अच्छा, इनका काम है बुकिंग करने का। अच्छा सर, और सर ये इनका मतलब वर्किंग आवर कैसा होता है, कितने टाइम कितने समय वो भी? अनुराग ये 24 आवर्स काम करता है यहाँ पे। अच्छा, तो बाकी रितेश है ये 12 घंटे काम करता है। अच्छा, क्योंकि मतलब इस बिजनेस में दिन रात गाड़ियाँ चलती रहती है, कम टाइम मिल पाता है इसमें मतलब ऐसा। पर इसमें कैसा है कि अभी बस ऑपरेटर को नींद नहीं आती, ऐसा मैंने सुना है कि कंटिन्यू गाड़ियाँ बाहर वगैरह होती है, तो आपके इस बारे में क्या विचार है सर? नहीं ऐसा नहीं, इसे स्टाफ आपको मैनेज करता है जी, तो परेशानी आती नहीं। एक अच्छा स्टाफ हो तो अच्छे से मैनेज हो सकता है सर। पैसेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर सुविधा दी गई है, कभी बसेस वगैरह का ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो आप कैसे मैनेज करते हो? मेरे पास और भी बसेस एक्स्ट्रा बस है, हम उसको करके मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, मतलब कितने टाइम में रिस्पॉन्ड होता है मतलब? अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा के अंदर। 1.5 घंटा के अंदर, और उस बस को रोड के डिस्टेंस कम है इसलिए जल्दी कर देते मैनेज कर लेते। अच्छा, मतलब एक ये भी एडवांटेज है शॉर्ट रूट का कि कम से कम समय में कस्टमर्स को बैकअप सर्विस दी जाए। और टीम मेंबर्स आपके कौन से? मेरे साथ छोटा भाई अनिल जो देखता है बिजनेस को, और साथ में मैनेज करने के लिए मेरा बेटा है देवांग यादव। अच्छा, ये भी मैनेज करते हैं। तो मतलब फैमिली का इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छा है, और फैमिली सपोर्ट होने के कारण भी काफी आपको हेल्प होती है सर इसमें। इनके पास एक स्पेशल बस है दोस्तों, जो है मर्सिडीज बेंज की स्लीपर कोच बस, MG जो ड्रीम्स आती है बस वो इनके पास है। और सर उसका फीडबैक कैसा है, मतलब कितने रूट कौन से रूट पे चलती है सर वो गाड़ी? वो इंदौर मुंबई चलती है। इंदौर मुंबई चलती है, और उसका मतलब मेंटेनेंस वगैरह कैसा होता है मर्सिडीज बेंज की? मर्सिडीज बेंज मतलब तो जीरो मेंटेनेंस है उसका। अच्छा, और सर्विसिंग वगैरह कहाँ पर होती है सर उस गाड़ी की? यहाँ पर इंदौर में होती है, मतलब भारत बेंज का एक वर्कशॉप है क्या? भारत बेंज का। अच्छा, मर्सिडीज बेंज की बसेस की सर्विसिंग भी भारत बेंज के यहाँ पर होती है। और सर उसका फ्यूल वगैरह कितना लगता है एक ट्रिप में? मतलब 2.5 का एवरेज है उसका। 2.5 का एवरेज देती है। अच्छा, और वो इंदौर से कितने बजे निकलती है सर गाड़ी? इवनिंग निकलती है 9:30 बजे। 9:30 बजे, और मुंबई कितने बजे छोड़ती है? मॉर्निंग में 7 बजे। 7 बजे मुंबई मतलब बोरीवली छोड़ती है? बोरीवली। इनके पास सबसे प्रीमियम बस भी और काफी यूनिक बस है मर्सिडीज बेंज की बस, मतलब बहुत ही गिने चुने ऑपरेटर्स के पास है सर। MP में 2 ही बस है। MP में 2 ही बस है। और यही था यादव ट्रैवल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आप किसी और ऑपरेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।